हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल फैक्टेड बाय विकास में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कार्बोरेटर इंजन और फ्यूल इंजेक्टर इंजन में अंतर। शुरू से लेके अंत तक हमारा आज का वीडियो देखिए, जहां पे हम पॉइंट वाइज आपको अंतर बताते चले जाएंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे दूसरे चैनल जो ट्रेन से रिलेटेड है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फ़ोटो को। आप सबसे पहले इसकी इमेज देखिए और जान जाइए कि ये इंजन किस प्रकार से दिखते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग ने ये देखा होगा फ़ोटो, तो समझ गए होंगे कि ये इंजन किस तरह से दिखते हैं। अब बात करते हैं इसके अंतर की। तो सबसे पहला हम पॉइंट यहाँ पे उठाते हैं कि एक इंट्रोडक्शन हो जाए। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कार्बोरेटर इंजन में इंजन का जो काम होता है वो हवा और फ्यूल दोनों जो है ये लेता है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर इंजन में, जैसा कि नाम है फ्यूल इंजेक्ट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये फ्यूल अंदर लेता है। अब अगली हम बात करते हैं पॉइंट की, जिसकी सेटिंग की। सेटिंग में कार्बोरेटर इंजन में इसकी सेटिंग मैनुअल होती है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर में चिप के द्वारा इसकी सेटिंग होती है, जो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। अगर हम पिकअप की बात करें तो इसका कार्बोरेटर इंजन का जो पिकअप होता है वो काफ़ी कम होता है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर का जो पिकअप होता है वो अच्छा होता है और अधिक होता है। कार्बोरेटर इंजन में जो ईंधन होता है यानी कि फ्यूल होता है वो अधिक लगता है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर में चूंकि चिप एक लगी होती है तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर लेता है और ईंधन इसमें कम लगता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस की। कार्बोरेटर इंजन में जो मेंटेनेंस होता है वो काफ़ी आसान होता है। कोई भी नौ सीखिया मैकेनिक इसको आराम से ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि आप लोग खुद इसको छोटी मोटी इसमें जो दिक्कतें आती हैं वो ठीक कर सकते हैं, जबकि फ्यूल इंजेक्टर इंजन को ठीक करना थोड़ा सा कठिन है और साथ में महंगा भी है। अब बात करते हैं स्टार्ट करने की प्रक्रिया। जो ठंडियों में प्रॉब्लम आती है गाड़ी को स्टार्ट करने की, तो कार्बोरेटर इंजन जिसमें लगा होता है इसको स्टार्ट करने में दिक्कत आती है, ये थोड़ा देर में स्टार्ट होते हैं, जबकि फ्यूल इंजेक्टर इंजन जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं अगला पॉइंट, प्रदूषण। कार्बोरेटर इंजन से प्रदूषण अधिक होता है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर जो इंजन होता है उससे प्रदूषण कम होता है। कार्बोरेटर इंजन थोड़ा सस्ता है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर चूंकि नया इंजन है, नई तकनीक है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल महंगा है, हो सकता है भविष्य में ये भी सस्ता हो जाए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक ऑयल का जो इसमें औसत होता है टंकी में, उसकी बात करते हैं। अगर कार्बोरेटर इंजन वाली कोई भी गाड़ी है तो ये कम तेल में भी स्टार्ट हो जाती है या चलती है, जबकि अगर फ्यूल इंजेक्टर इंजन लगा है आपकी गाड़ी में तो इसमें एक तयशुदा ईंधन होना चाहिए, यानी कि फ्यूल होना चाहिए, अगर उससे नीचे हुआ तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। अब बात करते हैं उसकी परफॉर्मेंस की। कार्बोरेटर इंजन जल्दी ख़राब नहीं होता है, लॉन्ग टर्म इसकी लाइफ होती है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर जो इंजन होता है ये जल्दी ख़राब हो जाता है। अब जो अगला और अंतिम पॉइंट है कि कार्बोरेटर इंजन सस्ता होता है, जो जिस भी गाड़ी में कार्बोरेटर इंजन लगता है वो गाड़ी सस्ती होती है, जबकि फ्यूल इंजेक्टर वाली जो गाड़ियाँ होती है वो अपेक्षाकृत महंगी होती है। वर्तमान का जो परिदृश्य है वो फ्यूल इंजेक्टर महंगी है, हो सकता है भविष्य में ये गाड़ियाँ सस्ती हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये जो अंतर वाला वीडियो है कार्बोरेटर इंजन और फ्यूल इंजेक्टर इंजन में समझ में आया है। अगर समझ में आया है और वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ताकि और लोगों को भी इसका पता चले। और अंत में कहना ये चाहते हैं कि अभी तक आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।